हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो देखिए, हम जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, तो उनका हम जब अध्ययन करते हैं तो हम रासायनिक ऊष्मा रसायन जो है, रासायनिक रसायन विज्ञान की जो शाखा है, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं, यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया की संभाव्यता की बात हम कहाँ पर करते हैं? थर्मो में करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में, या ऊष्मा रसायन बोल दीजिए, ऊष्मा गतिकी बोल दीजिए, ऊर्जा की बोल दीजिए, वैसे सबके अलग अलग मीनिंग हैं, लेकिन हम लोग एनर्जेटिक्स बोल देते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं, या थर्मोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। इसके अलावा जब हमें ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो फिर हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया होगी तो किस हद तक होगी, किस सीमा तक होगी, कितने परसेंट पूर्ण होगी, तो ये हम देखते हैं रासायनिक समय में। फिर ये जो दोनों ब्रांच हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी इक्विलिब्रियम, इन दोनों से हमें ये पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, यानी किस दर के साथ पूर्ण होगी यह जानकारी नहीं मिलती है। तो यह जानकारी हमें रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिलती है वो है रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए, अभिक्रिया की बारे में निम्न तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है, निम्न तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। हम जब अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातें जो हैं उनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभिक्रिया जो है वो संभव है या नहीं है, अभिक्रिया की संभाव्यता। सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, अभिक्रिया की संभाव्यता, अभिक्रिया होगी या नहीं, अभिक्रिया की संभाव्यता, पॉसिबिलिटी, संभाव्यता बोल दीजिए इसी को, या सुगमता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुगमता भी कह सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात है, हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की सीमा। और तीसरी बात है, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय, या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ये बातें हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साथ में अभिक्रिया की क्रियाविधि भी, दर और क्रियाविधि दोनों बोल देते हैं, अभिक्रिया की दर व उसकी क्रियाविधि। तो ये हमें जो है इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिक्रिया की संभाव्यता, इसके बारे में हमें ऊष्मा गतिकी से पता चलता है, और ऊष्मा गतिकी में हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डेल्टा जी। क्या बोलते हैं? डेल्टा जी। उसके मान से हमें यह पता चलता है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो हम कह देते हैं अभिक्रिया संभव है,
अदरवाइज स्वतः संभव नहीं। नेक्स्ट है अभिक्रिया की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका हमें पता चलता है रासायनिक साम्य से। रासायनिक साम्य के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण होगी। रासायनिक साम्य यानी वियोजन की मात्रा क्या होगी, ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, रासायनिक साम्य में। तीसरी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी, किस दर के साथ पूरी होगी। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है हमारे जो आज का टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, उससे, रासायनिक बल गतिकी से। इसका मतलब रासायनिक बल गतिकी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो रासायनिक बल गतिकी जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिससे अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का हम जिस शाखा में अध्ययन कर रहे हैं वो है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, वह उसको प्रभावित करने वाले कारक, ताप, दाब, सांद्रता, जो भी है उसको प्रभावित करने वाले कारकों तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। हालांकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की आप लोगों के स्टैंडर्ड की नहीं है, आप लोगों से ज़्यादा पूछी नहीं जाती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है काइनेटिक्स से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे और क्रियाविधि कौन सी होगी। चलिए शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिस्टमेटिक ढंग से अब शुरू कर रहे हैं, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया का जो वेग है, वेग जैसे किसी व्हीकल की बात करें तो वेग क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में तय की गई दूरी, तो आप क्या बोलते हैं वहां पर चाल के लिए दूरी बटे समय, और वेग बोलना चाहें तो विस्थापन बटे समय, यही कहते हैं। यहां पर किसी अभिक्रिया को कहीं चल के नहीं जाना है, यहां अभिक्रिया चलने का मतलब यही है कि अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और उत्पादों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी यहां पर कोई दूरी नहीं होगी, यहां कोई विस्थापन नहीं होगा, यहां पर होगा सांद्रता में परिवर्तन।
तो अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया की दर है एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। एकांक समय में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसी को आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बात करते हैं एक रिएक्शन की। सपोज रिएक्शन है, ये अभिक्रिया है, रेट रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये सपोज T1 समय पर क्या है? T1 समय पर इनकी सांद्रता है R1 और उत्पाद की सांद्रता है T1 समय पर P1 क्या होगी? P1 T2 समय पर, T2 समय पर जो है इसकी सांद्रता R2, तो उत्पाद की सांद्रता को बोल देता हूं P2, ठीक। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सांद्रता के समय के बीच में ग्राफ खींचूं, क्या करूं? सांद्रता और समय के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा आएगा? हमें पता है शुरू में रिएक्टेंट होगा सिर्फ, प्रोडक्ट होगा जीरो, तो शुरू में प्रोडक्ट की सांद्रता तो कितनी होगी? जीरो, ठीक है। और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होगी? अधिकतम। रिएक्टेंट की क्या होगी? अधिकतम। समय के साथ साथ क्या होगी? अभिकारक की सांद्रता तो कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, सही बात है। तो ये ग्राफ तो किसका आएगा? ये ग्राफ तो आएगा प्रोडक्ट का, और ये किसका आ जाएगा? रिएक्टेंट का। ये तो अभिकारक का और ये उत्पाद का। अब मैं ये T1 और T2 समय इसमें मार्क कर लेता हूँ। तो T1 T2 समय सपोज ये है, सपोज ये टाइम जो है ये है T1, कितना है? T1, और ये टाइम है T2, क्या है भाई? T2, ठीक है। ये T1 समय है और ये T2 समय है। T1 समय पर जहां पे प्रोडक्ट वाला ग्राफ काट रहा है वो ये है, तो इसको क्या बोल दूंगा? P1, क्या बोल दूंगा? P1। और T1 समय पर रिएक्टेंट वाला ग्राफ जहां काट रहा है वो ये बिंदु है, इसको क्या बोल देंगे? R1, ठीक है। ऐसे ही T2 समय पर रिएक्टेंट वाला ग्राफ यहां काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? R2। और ये प्रोडक्ट वाला ग्राफ कहां काट रहा है? इसको यहां पर, ये क्या हो जाएगा? P2, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमें पता है अभिक्रिया की दर होती क्या है? अभिक्रिया की दर होती है एकांक समय में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। तो एकांक समय में निकालना है, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड में 10 मोल प्रति लीटर चेंज हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है? 10 मोल प्रति लीटर, कितने सेकंड में?
10 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना होगा, सॉरी जैसे मैंने कहा 10 मोल प्रति लीटर 5 सेकंड में चेंज हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा, तो आप कहेंगे 10/5। तो 10 क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और 5 क्या है, सेकंड यानी समयांतराल, टोटल समय। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया वेग वो क्या होगा, वो होगा सांद्रता परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद जो भी है उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, तो मैं उसको कह सकता हूं समयांतराल, समय का अंतराल, समयांतराल। ठीक है, सही बात है। अब अगर मैं रिएक्टेंट के संदर्भ में बोल रहा हूं तो सांद्रता परिवर्तन यानी बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता, ठीक है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, चलो वैसे ही लिख लेते हैं, बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता। बाद की सांद्रता कितनी है अभिकारक की, R2, कितनी है R2, और पहले की कितनी है R1 अपॉन समयांतराल, बाद का समय T2 माइनस पहले का समय T1, ठीक है, ये हो जाएगा रिएक्टेंट के सापेक्ष संदर्भ में। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बोलूं यही चीज, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता यानी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन समयांतराल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां देखिए R2 और R1 जो है, R2 और R1, इनमें से R2 कम है, ये रहा R2 कम है, और R1 क्या है, ज्यादा है, सांद्रता ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, इधर क्या बढ़ रहा है समय, तो R2 कम है और R1 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, R2 लेस देन R1। जब R2 लेस देन R1 है तो ये माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में, तो मैं ये कह सकता हूं आता है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 विल बी नेगेटिव, ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा, लेकिन अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वेग हमेशा क्या होगा, धनात्मक। इसलिए हमें इसको प्लस बनाने के लिए यहां माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं परंतु रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये एक निश्चित समयांतराल के लिए है, अलग अलग टाइम पर सांद्रताएं ली हुई हैं, यानी ये जो सांद्रता परिवर्तन है ये अलग अलग समय पर लिया हुआ है, तो ये जो वेग आएगा ये अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औसत वेग, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग।
औसत वेग की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि औसत वेग क्या होता है, कई बार अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है, कभी अभिकारक की सांद्रता बहुत कम होती है, तो यानी इनिशियली सांद्रता बहुत ज़्यादा, बाद में बहुत कम, तो औसत वेग का कोई ज़्यादा मायने नहीं रह जाता है, इसलिए हम लोगों को तात्क्षणिक वेग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एक बार औसत वेग प्रोडक्ट प्रोडक्ट के संदर्भ में भी देख लेते हैं, उत्पाद के संदर्भ में। उत्पाद के संदर्भ में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी औसत वेग ही होगा। अब की बार पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट पी टू जो है वो पी वन से ज़्यादा ही है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रहेगा। पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, औसत वेग ज्ञात करेंगे। तो औसत वेग को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर एवरेज इक्वल टू प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, किसी के भी संदर्भ में लिखिए, मान जो है वो बराबर आएगा। उत्पाद के संदर्भ में लिख सकते हैं, अभिकारक के संदर्भ में लिख सकते हैं, मान क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक, अगर हमें किसी निश्चित क्षण पर वेग ज्ञात करना है, तो निश्चित क्षण का मतलब क्या हुआ, निश्चित क्षण का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो समयांतराल लिया जाएगा वो बहुत सूक्ष्म समयांतराल होगा, यानी टी टू माइनस टी वन जो है वो लगभग जीरो हो जाएगा। भाई ये जो बिंदु है निश्चित क्षण पर निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ निकालना है, तो यहाँ निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टी टू जो है इसको भी कम करना पड़ेगा और इस टी वन को बढ़ाना पड़ेगा, टी टू को कम करना पड़ेगा, टी वन को बढ़ाना पड़ेगा, टी टू और टी वन के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म समयांतराल। ठीक है, तो सूक्ष्म समयांतराल के लिए अगर वेग ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, तात्क्षणिक वेग। तो ले नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा भाई, आर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग, आर तात्क्षणिक क्या होगा, ये होगा आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, सही बात है, आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, लेकिन कब, जब समयांतराल क्या हो, समयांतराल क्या हो, डेल्टा टी गोज टू जीरो, डेल्टा टी गोज टू जीरो, ये हो, ठीक है, ये होगा डेल्टा टी गोज टू जीरो, ये होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ऐसे। अच्छा, ये रिएक्टेंट के संदर्भ में है, तो रिएक्टेंट के संदर्भ में जब होगा तो माइनस साइन आएगा, और प्रोडक्ट के संदर्भ में होगा तो प्लस साइन आएगा, पी टू माइनस पी वन, सही बात है क्या, अपॉन टी टू माइनस टी वन, और यहां पे भी क्या होगा, डेल्टा टी गोज टू जीरो, यहां डेल्टा टी गोज टू जीरो, सही है। तो इसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। और ये ज्ञात कैसे करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको लिखना सीखते हैं। ये जो होता है इसको हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब जब तात्क्षणिक वेग लिखा जाएगा तब इसको लिखा जाएगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, क्या लिखा जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, वहां क्या लिख रहे थे, डेल आर अपॉन डेल टी। और ऐसे ही प्रोडक्ट के संदर्भ में लिखें तो क्या होगा, प्लस
डीपी अपॉन डीटी। तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी प्लस इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। यानी रिएक्टेंट के संदर्भ में तो माइनस में लिखेंगे और प्रोडक्ट के संदर्भ में प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ डी आर जो है वो माइनस में ही आएगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट किस में आ जाएगी, प्लस में। ठीक, ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसका तरीका सीखिए ज्ञात करने का। क्या करते हैं, ये जो ग्राफ होता है सांद्रता और समय का, सांद्रता और समय का जो ग्राफ है, ये सांद्रता है और ये कौन है इधर समय, ये है रिएक्टेंट का और ये है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट। ठीक, सपोज आपको किसी भी समय पर, किसी निश्चित क्षण पर वेग निकालना है, किसी निश्चित क्षण पर क्या करना है, वेग निकालना है। तो आप क्या करें, जिस बिंदु पर वेग निकालना है उसके पास, उस पर क्या करें, स्पर्श रेखा खींचे, क्या करें, स्पर्श रेखा खींचे, ये लीजिए, खींच दी। स्पर्श रेखा खींचने के बाद इसी बिंदु से, या ऐसे करें इस स्पर्श रेखा को काटती हुई एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा और खींचे, समझ रहे हैं, इस बिंदु को, जिस बिंदु पर हमें वेग ज्ञात करना है उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके बाद इस बिंदु को, या सॉरी इस रेखा को जो स्पर्श रेखा खींची, इसको काटती हुई एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा और खींचेंगे, ये लीजिए, ये खींच लिए एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक है, और फिर एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यूं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, और इसका कोण ज्ञात कर लेंगे थीटा, क्या ज्ञात कर लेंगे, थीटा। जो भी थीटा आएगा उसका हमें टेंजेंट निकालना है, उसका क्या निकालना है, टेंजेंट, यानी टेन थीटा। वही टेन थीटा जो है इसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो ये जो तात्क्षणिक वेग है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके, तात्क्षणिक वेग किसके बराबर हो जाएगा, इसके टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ, आप सब जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है, सांद्रता, सांद्रता है लंब पर, तो ये सांद्रता परिवर्तन आ जाएगा, और आधार क्या है, समय, तो ये समयांतराल, तो सांद्रता परिवर्तन बटे समयांतराल, सांद्रता परिवर्तन बटे समयांतराल, यही क्या है, टेन थीटा। ठीक है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, 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 और वाई एक्सिस पर कौन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पर कौन है, टी टाइम, तो डी वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, और टी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टाइम, तो डी टाइम, सही है। ये जो होता है यही इस ग्राफ का ढाल होता है, यही इस ग्राफ का क्या होता है, ढाल, तो ग्राफ का ढाल भी यही होगा, ग्राफ का ढाल भी क्या होगा, यही होगा, ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल भी क्या होगा, यही होगा। हालांकि इस पर बेस्ड कभी न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे निकलवाएगा नहीं कि यह टेंथ थीटाना आपके ये बताइए, कुछ नहीं। ठीक है, अगर टेंथ थीटा का मान दे दिया तो टेंथ थीटा के मान तो हमें याद रहते ही हैं लगभग, उनसे हम क्या कर लेंगे, अगर पूछ भी ले तो तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो तात्क्षणिक वेग है, ज़रूरत इसी की पड़ती है, तो इस तात्क्षणिक वेग का ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, कौन सा वेग है, तात्क्षणिक वेग, कौन सा वेग है भाई, तात्क्षणिक वेग। इस पर अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का क्या फर्क पड़ता है, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भी देख लेते हैं। इधर ही लिख लेता हूं, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति वह तात्क्षणिक वेग, ठीक है,
अगर आपको दार्शनिक वेग ना बोल के, अब हम क्या है बार बार ही अभिक्रिया का वेग ही काम में लेंगे, अब इसी अभी तक दार्शनिक वेग को क्या बोलेंगे अभिक्रिया का वेग, तो मैं अगर सीधा यही लिख दूं अभिक्रिया की रसमीकरण विधि व अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया वेग एक ही बात है, अभिक्रिया की रसमीकरण विधि और अभिक्रिया वेग, यानी रसमीकरण विधि दे रखी हो तो फिर अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे, तो देखिए भैया जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, स्मॉल ए एम प्लस स्मॉल बी एन गिव्स स्मॉल सी क्यू प्लस स्मॉल डी पी, ये कोई रिएक्शन है, या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये पी से आपको क्या है हो सकता है प्रोडक्ट वाला कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ सी एक्स प्लस डी वाई। अब अगर इसके लिए हमें हमसे अभिक्रिया के वेग को लिखना हो इसके लिए तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अभिक्रिया वेग लिखा जाएगा ठीक उसी तरह से जैसे पहले लिख रहे थे आप, अभिक्रिया वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एम के सापेक्ष लिखेंगे माइनस डी एम अपॉन माइनस डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू एन के सापेक्ष लिखेंगे, एन भी क्या है रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी एक्स के सापेक्ष लिखेंगे क्या आएगा रिएक्टेंट है सॉरी प्रोडक्ट है इसलिए प्लस में आएगा साइन, प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई के संदर्भ में लिखेंगे तो प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं माइनस साइन और इसके बीच में मैंने स्पेस रखा है, स्पेस क्यों रखते हैं, अब लिखना है हमें रस समीकरण मिति के मोलों की संख्या, तो जो रस समीकरण मिति के मोल हैं उनका हमें क्या करना है इनमें भाग लगाना है, क्योंकि हमने जो पीछे लिखा है ना ये सब ये एक मोल के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग है, अगर एक से ज्यादा मोल दे दे रस समीकरण मिति के तो फिर हम क्या करेंगे एक मोल के संदर्भ में वेग निकालने के लिए रस समीकरण मिति के मोलों का भाग लगाएंगे, तो क्या करेंगे भाई इसमें रस समीकरण मिति के मोलों का भाग लगा देंगे, तो रस समीकरण मिति के मोलों का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा वन अपॉन स्मॉल ए, वन अपॉन स्मॉल ए, यहाँ क्या आएगा वन अपॉन स्मॉल बी, वन अपॉन स्मॉल बी, यहाँ वन अपॉन स्मॉल सी, और यहाँ वन अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये आएगा अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का अभिक्रिया वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं करना है डी को डी से काट मत देना, इस डी को भी डी से मत काटना, क्योंकि ये जो डी अपॉन डी टी है ना ये अवकलन का है, अवकलन के लिए ये कटेगा नहीं एक दूसरे से, ठीक है। ये बात हुई अभिक्रिया वेग रस समीकरण मिति के अनुसार कैसे लिखते हैं, उसके अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सपोज आपको दिया गया एक रिएक्शन है, जैसे ये है एन एच थ्री प्लस ओ टू गिव्स एनओ प्लस वाटर, एनओ प्लस वाटर, देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं तीन हैं, इधर दो हैं, तो मैं इसको अगर दो करता हूँ तो छः हो जाएंगे, उधर थ्री एच टू हो जाएंगे, टू एन एच थ्री, इधर कितना हो जाएगा थ्री एच टू ओ, थ्री एच टू ओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं दो हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे दो। अब ऑक्सीजन देखते हैं इधर दो और तीन पाँच, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाँच बटे दो, पाँच बटे दो। अब आपसे अगर इस अभिक्रिया के लिए पूछा जाए कि वेग कैसे लिखेंगे अभिक्रिया का, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया वेग ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा एन एच थ्री के संदर्भ में लिखेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा डी
एन एच थ्री की सांद्रता डी एन एच थ्री अपॉन डी टी इक्वल टू ओ टू की सांद्रता, ओ टू की कितनी आएगी माइनस डी ओ टू अपॉन डी टी। फिर एनओ के लिए प्लस डी एनओ अपॉन डी टी, और फिर किसके लिए एच टू ओ के लिए डी एच टू ओ अपॉन डी टी। ठीक है, यही होगा। इसके बाद रस समीकरण मिति के मोलों का भाग लगाएंगे, तो रस समीकरण मिति के मोलों का भाग कैसे लगेगा, एन एच थ्री में दो का लगेगा, वन अपॉन टू हो जाएगा। इसमें कितने का लगेगा, फाइव अपॉन टू का, तो एक बटे पाँच बटे दो को क्या लिख सकते हैं, दो बटे पाँच लिख सकते हैं, दो ऊपर चला जाएगा, क्या लिख सकते हैं दो बटे पाँच, तो ये हो जाएगा दो बटे पाँच। इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू, और इसके लिए क्या लिखेंगे वन अपॉन थ्री। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एन एच थ्री के सापेक्ष अगर अभिक्रिया का वेग पूछे तो क्या है, तो मैं लिखता हूं, आपसे कहे एन एच थ्री के संदर्भ में या एन एच थ्री के सापेक्ष अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या है, तो आप कहेंगे माइनस एक बटे दो इंटू डी एन एच थ्री अपॉन डी टी, डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एन एच थ्री इस अभिक्रिया में नष्ट विलुप्त हो रहा है, एन एच थ्री जो है इससे रिएक्ट करके खत्म होता जाएगा, तो एन एच थ्री के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो आप कहेंगे एन एच थ्री के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, होने की दर ये क्या होगी, तो इसे आप कहेंगे माइनस डी एन एच थ्री अपॉन डी टी, माइनस डी एन एच थ्री अपॉन डी टी, यानी उसमें ये रस समीकरण मिति वाला पद जो है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, सपोज आपसे पूछ लिया गया कि साहब एनओ के निर्माण की दर बताओ, तो आप क्या कहेंगे एनओ के निर्माण की दर, एनओ के निर्माण की दर क्या होगी, तो आप कहेंगे प्लस डी एनओ अपॉन डी टी, प्लस डी एनओ अपॉन डी टी। ठीक है, तो कई बार क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है, और इनमें से किसी के भी जैसे निर्माण की दर पूछ ली या विलुप्त होने की दर पूछ ली। ठीक, सपोज O2 है, O2 के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग पूछ लिया, O2 के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ये पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, जो रिएक्ट जो यहां आ रहा है व्यंजक एज इट इज आएगा, जैसा व्यंजक यहां दिख रहा है वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा माइनस टू अपॉन फाइव इंटू डी ओ टू अपॉन डी टू। ठीक है, इस तरह से कई बार आपको क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है, निर्माण की दर पूछ लेता है, या विलुप्त होने की दर पूछ लेता है, या फिर विलुप्त होने की दर और निर्माण की दर देखिए क्या पूछ लेता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, क्वेश्चन है यही रिएक्शन ले लेते हैं, या ये ले लीजिए एन टू प्लस थ्री एच टू, एन टू प्लस हाफ एन टू ले लिया, हाफ एन टू प्लस थ्री बाई टू एच टू गिव्स एन एच थ्री, गिव्स एन एच थ्री, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए, इसके लिए आपको दे दिया गया अभिक्रिया एन हाफ एन टू प्लस
थ्री बाई टू एच टू गिवस एन एच थ्री। सपोज इसके लिए आपको दिया गया अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अच्छा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड यहाँ से आया। देखिए, हमने क्या कहा था, सांद्रता परिवर्तन। तो सांद्रता परिवर्तन की इकाई क्या होगी? सांद्रता परिवर्तन की इकाई होगी मोल, सांद्रता की जो इकाई होगी वही सांद्रता परिवर्तन की होगी। तो इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर, ठीक है। और समयांतराल, जो समय की इकाई है वही समयांतराल की होगी। तो ये क्या होगी? सेकंड। तो इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसलिए अभिक्रिया वेग की इकाई हमेशा यही रहेगी, क्या? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि ये है, तो आपको बताना है H2 के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर, होने की दर क्या होगी, ठीक है। एक प्रश्न ये, अगर इसी प्रश्न में, इसी प्रश्न में यदि उक्त प्रश्न में, उक्त प्रश्न में N2 के विलुप्त होने की दर, N2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो आप H2 के विलुप्त होने की दर बताओ, H2 के विलुप्त होने की दर बताओ, विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, H2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। और हो सकता है H2 के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस पर। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे माइनस डी एच टू डी एन टू, डी एन टू अपॉन डी टी, एच टू के लिए लिखेंगे माइनस डी एच टू अपॉन डी टी, एन एच थ्री के लिए लिखेंगे प्लस डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। इसके बाद रस समीकरण मिति के मोलों का भाग लगाएंगे। रस समीकरण मिति के मोल कितने कितने होंगे? इसमें एक बटे दो है, तो एक बटे दो का भाग लगाने का मतलब क्या है, दो बटे एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू। ये तीन बटे दो है, तो यहां क्या हो जाएगा, दो बटे तीन। और यहां इसका भाग लगाएंगे एक का, तो एक का भाग लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कहा है, पहले प्रश्न में कहा है कि अभिक्रिया का वेग इतना है, कितना है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो H2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, यानी ये दे रखा है और H2 के विलुप्त होने की दर पूछी है। विलुप्त होने की दर कौन सी है, ये निकालनी है। तो क्या होगा, यही लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 2/3 डी एच टू अपॉन डी टी, ठीक है, ये होगा। तो माइनस डी एच टू अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, माइनस डी एच टू अपॉन डी टी, यही तो विलुप्त होने की दर है, कितनी हो जाएगी, इस थ्री को इधर ले आएंगे 3/2, 2/3 को इधर लाएंगे तो 3/2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इंटू रेट ऑफ
रिएक्शन, ठीक है, 3/2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कह दूं 3/2 इंटू रेट, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग कितना आएगा 3/2 इंटू, कितना है 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 3.2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.6, 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8, तो ये आ जाएगा 4.8, 4.8 गुणा 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये तो क्या आया, ये तो आई हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर आई। अब क्या हमें चाहिए, सेकंड जो इसका है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, क्या दे रखा है प्रश्न में, प्रश्न में दे रखा है कि N2 के विलुप्त होने की दर ये है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी, यानी हमें दे रखा है ये मान, ये दे रखा है और पूछा क्या है ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा, मैं लिख लेता हूं -2 इंटू dN2 अपॉन dt इक्वल टू -2 अपॉन 3 dH2 अपॉन dt। ये है रिलेशन, जिनमें रिलेशन पूछा है वही लेंगे सिर्फ। अब हमें क्या है, जो ज्ञात करना है उसको रख लो, बाकी साइड में हटा दो सारे। तो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सिर्फ ये, क्या ज्ञात करना है भाई, H2 के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास H2 के विलुप्त होने की दर आ जाएगी, H2 के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर कितनी आई, -dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू इस 3/2 को इधर ले जाएंगे, 2/3 को इधर ले जाएंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा, 2/3 को इधर ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू 2 dN2 अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आएगा भाई, -dN2, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, ओके ये लीजिए। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ले गए हम 2/3 को इधर ले गए, तो ये 3/2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, ये आया -3 इंटू dN2 अपॉन dt। अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है -dN2 अपॉन dt, यानी N2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है, तो ये मान वहां रख देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 के विलुप्त होने की दर आ जाएगी dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू कितना दे रखा है, 1.8 गुणा 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा भैया 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस तरह के प्रश्न जो हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए विलुप्त होने की दर से या निर्माण की दर से क्या मतलब है, और अभिक्रिया के वेग से ये किस प्रकार अलग है, कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेग व्यंजक क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की रस समीकरण विधि क्या होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।